नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं खबरों पर। कोरोना महामारी के बढ़ते लक्षणों ने दुनिया को फिर पीछे धकेलने का प्रयास शुरू कर दिया है। पिछले 8 महीने से कोरोना के चलते शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जैसे तैसे शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास सरकारों द्वारा चल ही रहा था कि फिर कोरोना ने रेड अलर्ट का संकेत दे दिया है। अलबत्ता पूरी दुनिया ही कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं होती दिख रही है। शिक्षा प्रणाली को कोरोना महामारी ने अस्त व्यस्त कर दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के जरिए स्टूडेंट पढ़ने की व्यवस्था तलाश रहे हैं। कुछ देशों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम ज्यादातर स्टूडेंट्स के समझ नहीं आ रहा। कोरोना के चलते स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को मोबाइल के लिए पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है। जिन छात्र छात्राओं के अभिभावक पर मोबाइल दिलवाने की व्यवस्था थी, उन्होंने दिलवा दिया। जिन अभिभावक पर आर्थिक अभाव के चलते मोबाइल की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो वो बेबस होकर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन स्कूल संचालकों ने ऐसे छात्रों पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे उनका मन तो उदास जरूर हुआ, लेकिन फिर भी वो फायदे में रहे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स कोई खास ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास सरकार द्वारा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच कोरोना के बढ़ते कदमों ने फिर से एक बार दस्तक दे दी। शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के ज्यादातर देशों की सरकारें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जमीनी स्तर पर लाना चाहती है। कुछ विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षा को अच्छा बता रहे हैं, तो वही कुछ शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का ढांचा बता रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए कितनी कारगर व्यवस्था साबित होगी, इसको लेकर भी ज्यादातर शिक्षक अपनी प्रोफेशनल निराशा जाहिर कर चुके हैं। कुछ शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम शिक्षा के कोई मील का पत्थर साबित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 60% स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन माध्यम के लिए डिवाइस ही उनके पास नहीं है। कुछ का कहना है कि गरीब लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराएंगे। मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना के रहने वाले एक 16 साल के लड़के को अजीब बीमारी लग गई है। लड़का पिछले 18 महीने से शौच करने नहीं गया। वहीं 16 वर्षीय युवक हर रोज करीब 19 से 20 रोटी खा जाता है। अभी युवक को कोई भी शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन युवक के परिजन इस बात को लेकर चिंताजनक है। परिजनों को लगता है कि उनका बेटा किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाए। मुरैना जिले के एक युवक को अलग अनोखी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने भी कई बार जांच की है, लेकिन डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पा रहे। मुरैना के सबजीत का पुरान निवासी आशीष चंदिल पिछले 18 महीने से शौच करने नहीं गए। 16 वर्षीय युवक आशीष चंदिल के पिता मनोज बीमारी को लेकर मुरैना भिंड ग्वालियर के कई डॉक्टरों को दिखा भी चुके हैं। बीमारी का पता लगाने के लिए कई बार विभिन्न तरह की जांचें भी कराई गई थी, लेकिन डॉक्टर भी इस बीमारी का पता नहीं लगा सके। बिना शौच जाए 16 वर्षीय युवक आशीष हर रोज अपने खाने में दर्जनों रोटी खा जाते हैं। इसके बावजूद भी उनके पेट में शरीर में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सामान्य हालत में ये युवक अपना जीवन यापन कर रहा है। परिजनों को इस बात की चिंता सता रही है कि उनका बेटा कहीं किसी बड़ी बीमारी की चपेट में तो नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।